शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत 15-20 इलाके के दुर्गम पंचायत कूट के सुरू गांव पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अब तक 9 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि गांव को भी खतरा बना हुआ है। गांव के साथ बगीचे व खेत भी धंसने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 24 मेगावाट की कूट परियोजना की सुरंग से पानी रिसने के कारण सारा पानी गांव के पास से निकल रहा है, जिससे भूमि का धंसना तेजी से जारी हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि कूट परियोजना की सुरंग में जैसे ही वर्ष 2018 में पानी गुजारा गया, उसके बाद गाँव के आसपास कई स्थानों पर जमीन से पानी निकल रहा है। ग्रामीणों ने परियोजना निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि पूर्व में भी परियोजना निर्माताओं को सरकार की ओर से गांव के ऊपर से पानी निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन परियोजना निर्माता ने कोई कदम नहीं उठाया है। देख लो, जहां ले जान हमारे को तबादला दे सके, मकान बना के हमने पैसा पूसा नहीं, हमारे को जितने मकान है इतने मकान दे सके। ये तो क्या पता जी, पानी से ही हुआ, बाकी तो क्या पीछे से ही गिर रहे हैं मकान। जाओ नीचे देख लो, कंपनियों का पानी ऊपर देखो वहाँ से आ रहा है, जहाँ ये धार है। अभी जो है कब से आ रहे हैं यहाँ, कब से आई है, 8 में आई कि 7 में आई, तब से पानी है। मैं अगर आपको बताऊं, जो आज इस गांव में जो आपदा जो आई है, वो आपदा जो प्राकृतिक तौर पर नहीं आई है। इस आपदा का सबसे बड़ा कारण है जो हमारे गांव में जो है प्रोजेक्ट तैयार हुआ 2018 में, इसकी कमीशनिंग शुरू हुई 2018 में, इसी टनल में जो है पानी भरा गया जो, और दिसंबर के महीने में जब इसमें पानी भरा गया तो इसमें जो है गाँव के निचले और उपले दोनों क्षेत्रों में जो है पानी का रिसाव शुरू हुआ। लगातार 2018 से लेकर आज 23 तक जो है ये पानी का रिसाव जो है इसी तरह से होता रहा है, जिस कारण से लगभग 5 सालों में धीरे धीरे जो है इस गांव की जमीनें जो है नीचे से खोखली होकर खिसकती रही। आज दशा ये है कि जो मेरा मकान है, मेरे साथ में आस पड़ोस में 2-3 मकान है जो टोटली डैमेज हो चुके हैं, पूरी तरह जो है टूट गए हैं। एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो गुडविल कंपनी 24 मेगावाट का कमीशनिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की वजह मुझे विश्वास है, और मैं भी समझता हूँ कि 2018 में जब कमीशनिंग हो रहा था इनका प्रोजेक्ट, तब इस टनल को भरने के लिए पानी छोड़ा गया था। जब पानी छोड़ा गया टनल को भरा जाता है, भरते हुए टाइम में जब इन्होंने पानी ओवरफ्लो हो गया तो पानी ने रास्ता बना लिया था, शुरू गाँव के बिल्कुल अपोजिट में एक खाई सी बना दी थी, वहाँ काफी सारा पानी निकला था उस टाइम। तो उस टाइम एक टीम आई थी, उन्होंने भी डायरेक्शन दी थी कि जो ये पानी निकला हुआ इसे आप चैलेंज करके गांव से बाहर खड्ड में भागे जाए, परंतु ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद 16 में एक ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट आई थी कि जो पेन स्टॉक गांव के ऊपर बना हुआ है इसको गांव से क्या तो बैरिकेड किया जाए, और पूरे गांव के जो पूरा जो साइड जोन आज बना हुआ है इसके नीचे पूरे कंक्रीट वॉल लगाने के उनको आदेश दिए गए, परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। हम जो है बेघर हो चुके हैं, ये सारी लायबिलिटी जो है पूरी कंपनी के अंदर डालती है। आज तक हमने देखा नहीं ऐसा स्थिति, जैसा आज तक हुआ ऐसा नहीं। हम सर सच यहाँ रहते रहते हुए ऐसे पानी आज देखा नहीं, जब से कंपनी हुआ तब से पानी देना शुरू हुआ हमारे मकान से पीछे नीचे आगे को हर जगह। आज हम जैसे बुरी तरह से सुरक्षित नहीं, क्या करें, कहाँ जाएंगे? हमारे को कहीं जगह दो, कंपनी से पैसे दिलाओ, सब कुछ दो हमारे कंपनी से, इस कंपनी को बोलो तो सब कुछ देना दे यहाँ पर टनल बंद करना पड़ेगा, तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं ना। ऐसे हमारा घर नहीं है, लोग घर गए, देखो कितने घर गए लोगों के।